लड़ी लगाने में व्यस्त गाइज, ये रहे जो कि अभी व्यस्त है, और बाकी जिन्हों को लगानी थी उन्होंने लगा ली गाइज, बिल्कुल बढ़िया। और हल्का हल्का सब पोल्यूशन है, आज धनतेरस की रात है गाइज, देख सकते हो बिल्कुल ही। ये मेरी लड़ी है और ये थर्ड फ्लोर पे हूँ, सेकंड फ्लोर पे भी है मेरे पास, और ये हमारे पड़ोसियों ने लगा रखी गाइज। हल्की हल्की सी सर्दी महसूस हो रही है और धनतेरस की रात, इतना है गाइज एक्साइटमेंट नहीं है कुछ, नहीं पता किस लिए। गाइज हमारी कॉलोनी सामने से सन्नाटा बिल्कुल ही, और ये लोग मजे ले रहे हैं गाइज, देख सकते हो। तो गाइज दोनों भाई जेके और विकी मजे लेते हुए, बिल्कुल शाइनिंग करता हुआ घर देख सकते हो। तो गाइज एक पटाखा फूटा भी, और वैसे दिल्ली का पोल्यूशन यहाँ तक आ रहा है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट बोलूँगा, जितने हो सके पटाखे फोड़ें गाइज, आपके एक दो पटाखों से पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा, आराम से गाइज इंजॉय करें, साल में एक बार आती दिवाली। तो यह है गाइज धनतेरस की रात, मिलते हैं आपको कल रूप चौदस की ओर। तो गाइज आज है रूप चौदस, कल धनतेरस की मैंने आपको तैयारियां दिखाई थी, क्योंकि कल बिल्कुल ही अंधेरा था, और आज देख सकते हो हमारा मोहल्ला थोड़ा चमक उठा है, कल ये विकी लगा पड़ा था काम करने में, और आज आज जाके इनकी फाइनल कंप्लीशन पूरी हुई है, और यहाँ पे ये मान्या भावित छत पे चढ़े हुए हैं, पटाखे देख रहे हैं। यहाँ पे सारे पड़ोसी ने गाइज अपनी रोशनी चसानी थी वो चसा ली है, और खतरनाक गाइज। गाइज ये व्लॉग आएगा गोवर्धन वाले दिन, क्योंकि धनतेरस रूप चौदस और दिवाली का मैं एक मिक्सिंग व्लॉग बना रहा हूँ। यहाँ पे गाइज नित्य नारायण लगा लिए गाइज, यहाँ पे मैंने लगा रखी हैं बिल्कुल ही, और सबों ने अच्छी तरह गाइज 2,500 का चूरमा, जिनको 2,500 चूरमे के बारे में नहीं पता वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा गाइज, खतरनाक वाली गाइज। तो कल मैंने आपको दिखाई थी धनतेरस, आज मैंने दिखाई आपको रूप चौदस, तो दिखाते हैं गाइज अब नेक्स्ट दिवाली में निकालेंगे गाइज पूरा, तो थोड़ी देर में मिलते हैं हम दिवाली पे। यहाँ पे गाइज भूपेंद्र लड़ी लगाने के लिए आ चुका है, भूपेंद्र जोगी। तो गाइज मिलते हैं दिवाली वाले दिन। तो गाइज लड़ी चली सारी जगह, बट 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 कंजूसी गाइज, कंजूसी जी के भाई ने कंजूसी कर दी बंद करके लाइट, तो बोले छत पे, और यहाँ पे बच्चे हवाई फायर कर रहे हैं अभी रूप चौदस के दिन, यहाँ पे लड़ी चल हुए, और ये तीन बच्चे गाइज बहुत सारे बच्चे हैं, तीन के तीन जो पटाखे नहीं फोड़ सकते, लेकिन ये बीच वाला छोटा ये बहुत आरामी। गाइस 9:30 का टाइम हो रहा है और सन्नाटा हमारी कॉलोनी के अंदर पूरा, देख सकते हो बिल्कुल ही सन्नाटा है, यहाँ पे बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, मैं हूँ लेकिन बाइक स्टार्ट बाइक डा रहे हैं, बाकी सारा गाइस सन्नाटा है बिल्कुल कॉलोनी के अंदर, क्या करें दीवार मतलब छोटी दीवार को कैसे सन्नाटा रहता है। गाइस पटाखे बहनों का सबसे बड़ा कारण, गाइस पटाखा आया ये फूट गया। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 10:30, और चलते हैं अंदर दिखाते हैं आपको रसोई में क्या चल रहा है। तो गाइस देख सकते हो बेसन के लड्डू बन रहे हैं हमारे घर में, जिसको खाने वो आ सकता है, ऑर्डर ऑनलाइन लेते हैं गाइस हम, यहाँ पे गाइस बेसन पकड़ा है देख सकते हो। तो गाइस ये बन के लड्डू रेडी देख सकते हो, बिल्कुल बढ़िया गाइस, बिल्कुल सॉफ्ट लड्डू है गाइस देख सकते हो बिल्कुल ही, तो गाइस बिल्कुल सॉफ्ट हुए हैं। तो गाइस क्या सॉफ्ट लड्डू देख सकते हो आप, बिल्कुल ही सॉफ्ट, बिल्कुल टेस्ट में बताना चाहूंगा आपको गाइस, बढ़िया लड्डू बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। हम मिलते हैं गाइस आपको दिवाली वाले दिन ही। हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, तो सारे भाई ने दिवाली गाइस, और वीडियो में गाइस बहुत मजा आ रहा होगा क्योंकि मैंने आपको धनतेरस दिखाई, उसके बाद छोटी दिवाली दिखाई, अब मैं आपको पूरी दिवाली का जरूर दिखाने वाला हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, नए हो मेरे चैनल पे तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे ही अब इंटरेस्टिंग व्लॉग अभी याद रहेंगे मतलब 3-4 दिनों छोड़ छोड़कर, तो बस बने रहिए हमारे चैनल पर। और अभी मैं नहा हूँ दिवाली वाले दिन सुबह सुबह, ठंडी भी है गाइस क्योंकि बारिश हो रही थी परसों, और अभी दिखाते हैं आपको पूजा करूंगा जाके, दिखाते हैं आपको सारा कुछ गाइस, कुछ गन्ने बिक रहे हैं, किसी को गन्ने चाहिए तो बता देना, उसके लिए हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, वैसे लड्डू के लिए भी करते हैं, तो बने रहिए गाइस हमारे साथ, आपको दिखाते हैं आज का पूरा डेली व्लॉग। तो गाइज अब भाई पूजा करने के बारे देख सकते हो लड्डू गोपाल, कल मैंने ऐसे सजाया था, और अभी थोड़ी देर में आपको मिलाते हैं इसको नहला कर, देखो सर्दी का कैर बच्चों के ऊपर भी दिख रहा है, और यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को नहला दिया है, वाइट ड्रेस पहनाई गाइज दिवाली वाले दिन, और खतरनाक मौसम गाइज देख सकते हो, अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। तो गाइज हम तो नहा लिए सर, थोड़ा मंदिर पे भी कृपा कर देते हैं आज, पहले मैं हनुमान को करता हूँ, उसके बाद करते हैं गाइज शिव जी के कपड़े वगैरह करते हैं, सेट वगैरह करते हैं शिव जी को, पहले मैंने देखा अभी हनुमान जी को मैंने धोया था, और अभी मेरे पास इनका ये चोला वगैरह, इनको मैं अभी सजाना चाहता हूँ, तो दिखाते हैं आपको कैसे सजाऊंगा मैं। तो ये गाइस हमारा हनुमान जी है, और ये मैंने
इनका कलर कर लिया है। तो करते हैं गाइस स्टार्ट। जय श्री राम। तो मैं मिलता हूँ आपको इसको कलर करने के बाद, तो तब तक के लिए थोड़ा वेट कीजिए गाइस। तो गाइस फाइनली आधे हनुमान जी तो हो चुके हैं और बाकी थोड़ा मैं कर रहा हूँ, और अभी देखते हैं गाइस कितनी देर में होगा। मजा आ रहा है गाइस मुझे बिल्कुल ही, क्योंकि बैठे बैठे घर पे कुछ काम था नहीं, सारे माला बनाने के लग रहे हैं हमारे घर के, बाकी मैं सिर्फ हनुमान जी को मजे ले रहा हूँ। ओ हनुमान जी उड़े उड़े, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। गाइस बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो हनुमान जी को चोला पहनाते हैं। हमारी क्लास में बहुत बच्चे हैं नूरनगर साइड के जो कि हर मंगलवार पहनाते हैं, बहुत खुश नसीब होते हैं गाइस वो। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने दिवाली वाले दिन कुछ पुण्य करा या आपकी दिवाली कैसे मनी, बिकॉज सबो के आइडिया लेने जरूरी है गाइज, किसी की कैसी मनी हो, किसी का पटाखे वगैरह कुछ। हमारे यहाँ पे गाइज पटाखे बैन है, बट मार्केट में खुले आम पटाखे बिक रहे हैं। मैं आपको थोड़ी देर में मार्केट जाके दिखाऊंगा सारा कुछ ये क्या चल रहा है। बहुत लोग बोल रहे थे कि पटाखे बैन होंगे तो दिक्कत रहेगी, मैं ये बोलता हूँ जिस सरकार ने पटाखे बंद करे हैं क्या उनके बच्चे नहीं फोड़ेंगे पटाखे, क्या वो सुखी सुखी दिवाली मनाएंगे? मुझे तो ये बात एक कंफ्यूजन रहती है हमेशा। और गाइज जब से हमारे नए आईएएस हनुमान मल ढाका जी आए हैं, जब से हनुमान ही हनुमान हुआ पड़ा है गाइज पूरे खैरतल में, पटाखों पर रोक क्या पटाखे खुलेआम बिक रहे हैं उनके सामने। तो बस मैं यही बोलना चाहूंगा पटाखे जितने हो सके फोड़े, बट थोड़ा सेफ्टी रख के, क्योंकि पटाखों से गाइस आजकल नहीं पता कैसे कौन कौन से केमिकल मिलाए जा रहे हैं जिससे प्रदूषण तो नहीं बट हमारे शरीर को हानि हो सकती है। कुछ कुछ नाक वगैरह में ऐसी कुछ स्मेल सी आ जाती है जो कि कुछ बहुत देर तक ऐसा लगता है क्या हो गया। तो अब मिलता हूँ गाइस थोड़ी देर में, क्योंकि बस थोड़ा सा बचे हनुमान जी। तो गाइस अभी मेरे को लंगोट पहनानी है, बाकी मैंने कुछ इस तरह का तैयार किया है हनुमान जी को, जने वगैरह पहना दिया है, और अभी मेरे को लंगोट बांधनी है। तो लंगोट बांधने के बाद आपसे मिलते हैं बाद में। तो गाइज हमारे घर में इन फूलों की रंगोली बनना स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको ये रंगोली बनवाना है तो हमें ऑनलाइन संपर्क जरूर करें, हम ऑनलाइन रंगोली भी बनाते हैं घरों में। 2000 years later. खतरनाक भीड़ गाइस। ये फाटक स्टेशन गाइस सामने खैतल का फ्लैश गाइस, और चूहे मारने की दवाइयां गाइस। पटाखा बाजार खैतल का देख सकते हो आप, बिल्कुल बढ़िया। क्या कह रहे हो? पाँच बज गए अब घर इतना काम हो जाएगा। गोलगप्पे 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 गोलगप्पे।
तो गाइस अभी मैं मार्केट से होकर आया था, पटाखे वगैरह लेकर आया था। तो अब मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि इस व्लॉग के साथ बने रहिएगा, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा, ये व्लॉग आने वाला है गोवर्धन वाले दिन, नहीं दिवाली से अगले दिन और गोवर्धन से एक दिन पहले, क्योंकि एक दिन का गैप है। तो उसमें मैं जाऊँगा गाइस मथुरा गोवर्धन के परिक्रमा लगाने के लिए। तो उस वीडियो पे भी आप इसी वीडियो की तरह ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना गाइस। और अब टाइम होने वाला है गाइस पूजा का, तो अब आपको मिलते हैं पूजा के टाइम गाइस पूरा। तो पूजा स्टार्ट करते हैं गाइस, 3 2 1। तो गाइस ये मैंने अपना आउटफिट डाल लिया, ब्लैक पैंट वाइट शर्ट पूरा फॉर्मल करा है मैंने, और हमारे पड़ोस में सारी लड़िया गाइस चस चुकी है। टाइम हो रहा है गाइस अभी 7 बज रहे हैं, और अभी हम करने वाले हैं पूजा। तो आपको दिखाते हैं गाइस पूजा कैसे होती है, आपने कभी देखी नहीं होगी। तो करते हैं गाइस पूजा स्टार्ट थोड़ी देर में। तो गाइस खतरनाक रोशनी चस रही है, और वहाँ पे देख सकते हो हमारा दोस्त आ रहा है, वो भावित देख सकते हो। तो गाइस ये आ चुका है भावित, देख सकते हो ये एंजॉय कर रहा है अभी बिल्कुल। तो गाइस लगा दे कहाँ गए थे, वाह बटरफ्लाई गई। सॉरी बटरफ्लाई फ्लो गाइस गाइस सबसे खतरनाक बम फोड़ रहे अंकल, अभी देख सकते हो सबसे खतरनाक गाइस 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 क्या हो सकता है यहाँ। तो गाइस देख सकते हो फिलहाल अभी सेकंड गाइस वेट जरा, तो गाइस उतरी बम जड़ी, अब बच्चे को देते हैं ये फुल जड़ी, जला तू मजे ले। तो गाइस अभी हमारे पास है सूत्री बम, ओ नहीं भाई क्या उड़क दियो ये जला ली माचिस, मेरे हाथ में सूत्री बम, अब जलाते हैं। तो गाइस ये जल चुका है बम, हवाई फायर गाइस गाइस हमारे माचिस तिल्ली भुजते हुए आई है बम। तो गाइस हमारे दिवाली के साथ कुछ खत्म हो चुका है, यहाँ पे हमारे सारे फ्रेंड्स, और यहाँ पे हमने आज बहुत सारे गाइस कालिया के पैकेट फोड़े देख सकते हो, सात सारी से फेंके हैं। तो मैं अभी पीयूष से पूछना चाहूंगा, बता आज हमने कितने कालिया के पैकेट फोड़े गाइस, 10 तो नहीं 11 पैकेट फोड़े हमने, और ये बंदा गाइस जो कि 7 VIP के पैकेट फोड़ चुका है आज। तो आई होप आप लोग पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना, नए हो मेरे चैनल पे तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सभी भाइयों को हैप्पी गोवर्धन इन एडवांस गाइस।